नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसरत टाइम्स लाइव। एक नज़र आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। मुंगेर के बरियारपुर में ग्रामीणों ने रेलकर्मी का शव के साथ एनएच को किया जाम, अपराधी की गिरफ्तारी की कर रहे थे मांग। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक विशेष रिपोर्ट। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के परैया पुस्तकालय गांव में आपसी मारपीट में गंभीर रूप से घायल रेल कर्मी की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजन एवं ग्रामीणों ने बरियारपुर तीन बतिया के समीप NH-80 पर सब को रखकर जाम कर दिया है। जाम कर रहे परिजन एवं ग्रामीण पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपराधी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए थे। बड़ी संख्या में जुटे ग्रामीणों द्वारा टायर जलाकर आक्रोश पूर्ण प्रदर्शन से राहगीर और जाम में फंसे वाहन चालक दुष्कारियों झेलने पर विवश थे। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रविवार की देर शाम परिया पुस्तकालय निवासी छबिल यादव उर्फ छबी यादव अपने घर के ढलाई हेतु पुस्तकालय परिया की ग्रामीण सड़क पर गिट्टी और बालू गिराए थे। पास के ही पड़ोसी सुबोध यादव उर्फ राकेश कुमार के द्वारा सड़क पर गिरे गिट्टी बालू को हटाने को लेकर विवाद करने लगा। विवाद धीरे धीरे बढ़ते हुए मारपीट में तब्दील हो गया। मारपीट के क्रम में ही सुबोध यादव उर्फ राकेश यादव ने अपने ईस्ट कॉलोनी जमालपुर निवासी भगीना अमित कुमार एवं भाई रंजन यादव उर्फ राजीव के साथ मिलकर छबीला यादव उर्फ छब्बू यादव, उनकी पत्नी विभा देवी एवं पुत्र कुमार सौरव को लाठी डंडे एवं लोहे के रॉड से बुरी तरह से पिटाई कर दी। मारपीट में तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तीनों का गंभीर रूप से चोट लगी थी, जिसके प्राथमिक उपचार के लिए PHC बरियारपुर लाया गया, जहां से चिकित्सक ने हैवी हेड इंजरी बताते हुए सदर अस्पताल मुंगेर रेफर कर दिया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। मृतक के छोटे पुत्र छोटू कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल मुंगेर से रेफर होने के बाद बेगूसराय के एक निजी क्लिनिक में इलाज किया जा रहा था, जहां इलाज के दौरान ही 58 वर्षीय रेलकर्मी छबीला यादव और छब्बी यादव की मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित परिजन ने सबको तीन बतिया के समीप NH पर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम किया। जाम कर रहे परिजन पुलिस प्रशासन के प्रति आक्रोश जताते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। इत्यादि मुंगेर जिले से दिलीप यादव की रिपोर्ट। मुझे आया है।